दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एसटीसी पे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अपना बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करिएगा। ठीक, न्यू अपडेट हुआ है दोस्तों एसटीसी पे में, इसलिए इसका बेनिफिशियरी ऐड करने का जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो गया है। अगर आपको भी कुछ नया बेनिफिशियरी ऐड करना है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आज का वीडियो आप पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना बेनिफिशियरी जो है अपना एसटीसी पे अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दोस्त पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए, उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं ले चलता हूँ आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं बताता हूँ कि आप कैसे किसी भी न्यू बेनिफिशरी को अपने एसटीसी पे अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले अभी चलिए एसटीसी पे ओपन कर लेते हैं। ओके, एसटीसी पे ओपन होने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, तो इस पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू रिसीप पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पर जिसका नाम से अकाउंट रहेगा उसका नाम यहाँ पर लिखना है, तो चलिए मैं नाम लिख देता हूँ जल्दी से। ओके दोस्तों, मैंने अपना नाम लिख दिया है। ठीक है, रिलेशनशिप में आपका रिलेटिव या फ्रेंड्स रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को रहने देंगे। कंट्री चॉइस कर लेते हैं इंडिया, आपका जो भी कंट्री रहे दोस्तों अपना कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मेरा इंडिया कंट्री है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ डिलीवरी ऑप्शंस, आपको इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन कैश पिकअप है, जैसे आपको बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट हो गया, डिलीवरी ऑप्शंस अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना बैंक नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। आपका जो भी बैंक रहेगा अपना बैंक आप सिलेक्ट करिए, यहाँ पर सभी बैंक का नाम दिया हुआ है। ओके दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी अकाउंट नंबर लिखने का है, ओके मैंने अपने अकाउंट नंबर लिख दिया, आईएफएससी कोड लिख देता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने अपना बैंक नेम लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया, आईएफएससी कोड लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर पर्पस ऑफ रिपेंटेंस लिख देंगे, फैमिली मेंटेनेंस सेविंग, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को आप रहने दीजिए। अभी आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है डू यू नो द रिसीवर नेशनलिटी, आपको यहाँ पर यस करके आप जिसको भी भेजते होंगे उसका नेशनलिटी जो भी रहेगा उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं इंडिया भेजना चाहता हूँ तो मैं इंडिया लिख देता हूँ, यहाँ पर ही इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे लिखा हुआ डू यू नो रिसीवर एज, तो ये इसको छोड़ दिए, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, अभी आपको अपना एसटीसी बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा। ठीक है, मेरा ओटीपी आ चुका है 9317, तो मैं लिख देता हूँ 9317। ओके दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे मेरा बेनिफिशियरी जो है ऐड हो चुका है। ठीक, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ थैंक यू द बेनिफिशियरी हैज़ बीन एडेड टू योर लिस्ट। ओके, अभी आपको चेक करना है तो यहाँ पर आप चेक माय बेनिफिशियरी लिस्ट में क्लिक करिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप देख रहे होंगे यहाँ पर बेनिफिशियरी जो है ऐड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप इजीली इसी तरह से किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके दोस्तों, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा किसी भी बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करेंगे अपना एसटीसी पे अकाउंट में। दोस्तों, ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपना एसटीसी पे अकाउंट में कोई नया बेनिफिशियरी को कैसे ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट करना है दोस्तों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जरूर से रिप्लाई करूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक कर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और इसी तरह से अपने भाई का सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिव मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी कोई अच्छे टॉपिक के साथ, कोई भी यूजफुल टॉपिक के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।